बागपत वर्सेस करमेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया हरीश टूर्नामेंट के खर्च को देखते हुए श्री संजय कुमार जी ने तो हमारा सहयोग किया था कि जोरदार तालियां बजाएं। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। प्रेजेंट है नाम प्रधान वर्तमान प्रधान ग्राम सभा चौहान था। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। स्कोर पॉइंट देख रहा हूँ हरी नजर जा रही है। अभी दोनों टीम का स्कोर लेवल है। अभी कह पाया मुश्किल होगा कि कौन सी टीम इस मुकाबले को जीती हुई आगे की तरफ जाएगी। कह रहा है इम्पॉसिबल होगा भाई। ये थर्ड अब आया है मिश्रा अब्दुल्ला। वाह भाई तालियां तो मैं अच्छा प्लेयर बताया। थर्ड रेट है टू और डाई। निकलना चाहते थे वहीं पर दो जी गए मिश्रा अब्दुल्ला। इकोना था जो सिरों पर देखी जा रही कई बार आधा ट्रस्टर में। उसके बाद पाकिस्तान जेवर मतलब अहमदाबाद मुजफ्फरनगर वर्सेज आजाद तरंग सॉरी आजमगढ़ टैल हाउस भुजनौर। अपने आपको दी जा रही इस मुकाबले के बाद आपका मैच खेला जाएगा। तो आप दूर दराज से आए लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया इस टूर्नामेंट की कामयाबी की जमानत के लिए। बहुत बहुत शुक्रिया सरजमी की गाड़ी को। दो सिरों के इस स्कोर पर इसको रुका हुआ फासला सी लगता हुआ बेचैनियां बढ़ती हुई दोनों टीमों के दरमियान। अगली टीम का आंसर ढूंढ गया बार बार आंसर ढूंढ गया टीम जीत की गली पर तैयार है। तो मेरे दोस्त इसके बाद का जो मुकाबला होगा बहुत ही दिलचस्प होने वाला है। स्कोर पॉइंट्स की मेरी नजर जा रही है। स्कोर पॉइंट 3-0 इकाना भारत बात तीन पर है जीरो पोटी की जा रही है आजाद क्लब कर रही। तो आइए इसके बाद अपने आप को तैयार रखें पाकिजा सेवाबाद हाउस इसके बाद दोनों टीमें एक अच्छे अच्छी तरह से बयान करेंगी जिसके बाद का मुकाबला देखा जाएगा। बहुत सुपर टेकल आज है लेकिन रेडर भी बहुत शान है। अब क्या होता है सुपर टेकल करते हैं या नहीं तरफ जाती हुई नजर आ रही है टीम आप इकोना घाट। इकोना घाट जीती है तो वर्तमान प्रधान इकोना घाट श्री संजय जी की तरफ से 500 का पुरस्कार दिया जाएगा। बहुत बहुत शुक्रिया तमाम कमेटी के कार्यकर्ताओं का बहुत बहुत शुक्रिया। आज के सेलिब्रेट से रखते हैं तो आजादान और बाबू उसके साथ साथ अब्दुल्ला और सैसर क्या कुछ नया करेंगे आने वाला वक्त बताएगा। ये है अब्दुल्ला एक बोनस पॉइंट हासिल किया और यहां पे चार यानी तीन सुपर ही अब्दुल्ला आते ही खाना
नाम
तो पड़ा है। इसके बाद जो मुकाबला चला जाएगा पाकिजा जेवर महल का मुकाबला होगा आसंग टायर हाउस। टायर हाउस की टीम पुनरीकरण के टाइम आउट समय हाफ टाइम का मुकाबला अगर देखा जाए स्कोर बोर्ड को साफ दिखाई दे रहा है। मेरे साथी स्कोर लगातार स्कोरिंग के काम को अंजाम दे रहे हैं, उनका भी शुक्रिया अदा कर रहा हूँ। और इस दौर में करते हैं और मैं देख रहा हूँ कि हमारे बहुत से चैनल के साथी लगातार जुड़े हुए हैं, मैं सबका भी शुक्रिया अदा कर रहा हूँ। तो यहाँ पे नहीं कहूँगी मेरा बहुत आमिर सुगर कहा लगातार मैं क्या नतीजा दे रहा था और वक्तन फवक्तन जरूरत महसूस हुई तो बीच में रह गया। तो इसके बाद जो मुकाबला खेला जाएगा पाकिजा जेवर महल मोहम्मदाबाद का मुकाबला होगा टायर हाउस आजमगढ़। जरूरत ही तैयारी कर ले कमर करके तकनीक करेंगे तो मजा नहीं आएगा। आप किसी से इनाम भेजे तो बेहतर होगा। ये कितनी खिलाड़ी 10 नंबर के साथ साथ इस खिलाड़ी ने बेहतरीन रेडी की है अपने टीम की जानी से बेहतरीन देखी अब यहाँ पर दिखा जा रहा है। इहराम कबड्डी की दुनिया में बड़ा नाम और क्या पॉइंट तो आज दिखा जाए तो क्या पॉइंट लिया कुछ जरूर नई सोच के साथ आए होंगे इहराम और उनके साथी खिलाड़ी। चार खिलाड़ी के विकेट जरूर नजर आ रहे हैं। इसके बाद पाकिस्तान जेवर महल मोहम्मदाबाद जो मुजफ्फरनगर की टीम है फैसल की गलती पॉइंट दिया और देखा जाए तो कहीं ना कहीं एक औरंगाबाद अपनी स्कोर को आगे कर रही है 15-6 का स्कोर। तो मैं देखा हूँ संजीव सर का भी शुक्रिया अदा कर रहा हूँ कि बड़े दिनों के बाद आज मुलाकात हुई थी और उम्मीद है कि अब आप बहुत ही मैच होने वाले हैं। इस मैच के बाद तुरंत मैच यानी कल की तारीख में 4 बार की सर्जरी पर फर्स्ट प्राइज 15,000 सेकंड प्राइज 7,000 तमाम टीम कैप्टन से गुजारिश है जो बाहर से टीम आई है उस टूर्नामेंट में शिरकत करें वो भी प्राप्ति से ही मुकाबला 4 बार की सर्जरी पर होने वाला है। सुपर टिका और अगला मुकाबला जो खेला जाएगा पाकिजा जेवर महल मोहम्मदाबाद आजमगढ़ टायर हाउस। तो आजमगढ़ टायर हाउस के आने आपको रहमान साहब दो और गाड़ी यानी साफ आने के लिए खतरे की घंटी का जरूर और साधारण का विपरीत खिलाड़ी क्या आज साधारण कुछ नया करेगा या कुछ नई सोच के साथ आया है यह वक्त बताएगा। तो मैं देख रहा हूँ कि 18 नंबर ठीक है किस जरूर सोच रही है और एक बार से निकलने की कोशिश एक औरंगाबाद के खिलाड़ियों में दम भी है ताकत भी है। स्कोर देखा जाए तो कहीं ना कहीं एक औरंगाबाद स्कोर आगे कर रही है और इस टूर्नामेंट के लिए मैं ममता कमेटी का तहे दिल से शुक्रिया अदा कर रहा हूँ। मैं देख रहा हूँ कि एक औरंगाबाद के बहुत से दोस्त आए हुए हैं इनाम देना चाहते हैं। चलिए एक औरंगाबाद के जो खिलाड़ी भी कैश के लिए 100 रुपए रहेगा संजय सिंह जी की जानी से। चलिए संजय सिंह आपका भी शुक्रिया आपका इस टूर्नामेंट में एक नई जिंदगी मिली। संजय सिंह एक और प्रधान मौजूदा प्रधान की जानी से कैच करने वाले खिलाड़ी को 100 रुपए का इनाम आया था सुंदर पे शुक्रिया बहुत बहुत शुक्रिया। सबका तेरह से शुक्रिया।
शुक्रिया स्वागत व्यक्तम करता हूँ आज के इस हरे भरे स्टेडियम का। सत्रह नौ पर देखी जा रही है टीम आज आपके में। इसके बाद पाकिस्तान जिला मोहम्मदाबाद वर्सेस आसिफ टाइम हाउस आपको पुलिस द्वार की गैली पर तैयार है। इसके बाद सर आपका मुकाबला किया जाएगा। बहुत बहुत शुक्रिया। 335 नंबर जैसे थे मिस्टर अब्दुल्ला लेकिन अपनी कोड में वापस अंतिम समय 5 मिनट आगे जा रही है। टीम कैप्टन आसिफ टायर हाउस वर्सेस टीम कैप्टन आप पाकिस्तान जेवर मोहम्मदाबाद बिल्कुल समय नहीं लगता है। इसी के साथ स्कोर 10 16 पॉइंट पर है। बोनस पॉइंट पर ध्यान दीजिए आपका 10 करिए 9 को 10 करिए बोनस पॉइंट। आज ये पूछो जैसे जैसे रात ऑफिशियल सर गुरु जी अहमदाबाद मुजफ्फरनगर वर्सेस आजम टायर हाउस बिल्कुल ग्राउंड में आ जाए। क्या भैया चढ़
चाहे बाहर फिर आया अब्दुल्ला भाई एक बात मेट्रो अब्दुल्ला के लिए आज ही तकती जगह लेकिन अच्छा परफॉर्म अच्छा प्रदर्शन अपनी जगह है पब्लिकों के दिल पर राज करिए बहुत बहुत शुक्रिया श्री बलवीर कुमार राय जी आपका स्वागत है लगातार टूर्नामेंट का तीन गांव में करें आपका बहुत बहुत शुक्रिया तेरा तेईस के निजी स्कोर का स्कोर होता हुआ तेईस के बाद टीम कैप्टन पाकिजा जेवर अहमदाबाद मुजफ्फरनगर वर्सेस आजम टाइम हाउस बिजनौर बिल्कुल गेट की गली पर आ जाए क्योंकि ये मैच अभी पूरी तरह से वो मैच बहुत जबरदस्त होगा चाहते थे जहां से वहीं पर दबोचे इसको अभी भी देखा जा रहा है इकोना भाग इसी के साथ इस मैच का प्रयास करती हुई तो भाई कॉस कैश कौन क्या क्या मतलब 100 रुपए का पुरस्कार और मिस्टर अब्दुल्ला को 300 रुपए का पुरस्कार दिया जाएगा तो मिस्टर अब्दुल्ला अपना 300 रुपए का पुरस्कार और कैच करने पर 100 रुपए का पुरस्कार और जीतने वाली टीम को 500 रुपए का पुरस्कार